यूपी के अयोध्या से बड़ी खबर। ELSDP पब्लिक स्कूल में राष्ट्रीय एकता दिवस धूमधाम से मनाया गया। जी हां, अयोध्या के रुदौली शिक्षा क्षेत्र रुदौली के CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त ELSDP पब्लिक स्कूल गौरिया मऊ रुदौली में राष्ट्रीय एकता दिवस गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि तहसीलदार रुदौली प्रज्ञा सिंह व प्रबंधक अनिल पाठक ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पार्पण कर किया, जिसके उपरांत स्काउट गाइड के बच्चों द्वारा आए हुए अतिथियों का बैज लगाकर स्वागत किया गया। अपने संबोधन में तहसीलदार रुदौली प्रज्ञा सिंह ने बच्चों को न केवल सरदार पटेल के बारे में जानकारी दी, बल्कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत स्टेचू ऑफ यूनिटी के बारे में भी बताया। तहसीलदार रुदौली द्वारा अध्यापकों व बच्चों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता व सुरक्षा को बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन चक्र पर आधारित विद्यालय द्वारा आयोजित निबंध, पोस्टर व ड्रेस कंपटीशन में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों का चयन वरिष्ठ पत्रकार अजय गुप्ता द्वारा किया गया। पोस्टर मेकिंग में कक्षा 5 के आयुष प्रताप प्रथम स्थान पर, निबंध प्रतियोगिता हिंदी में दानिश अहमद व निबंध प्रतियोगिता अंग्रेजी में अंशिका यादव, ड्रेस प्रतियोगिता में अस्कन तिवारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सरदार पटेल के ड्रेस में बच्चे बहुत ही मनमोहक लग रहे थे। इन बच्चों को मुख्य अतिथि तहसीलदार रुदौली द्वारा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद बच्चों द्वारा रन फॉर यूनिटी की दौड़ भी विद्यालय द्वारा कराई गई, जिसको मुख्य अतिथि प्रज्ञा सिंह व प्रबंधक अनिल पाठक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दौड़ गौरिया मऊ करीमपुर अजरका गोड़खरा गांव में एकता की जागरूकता को लेकर हुई। तहसीलदार रुदौली प्रज्ञा सिंह ने बच्चों को न केवल सरदार पटेल के बारे में जानकारी दी, बल्कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत स्टेचू ऑफ यूनिटी के बारे में बताया। उन्होंने बच्चों को सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि मिलने की भी जानकारी बच्चों को दी। स्कूल के प्रिंसिपल आदित्य पाठक ने बच्चों को लौह पुरुष सरदार पटेल के जीवन चक्र के बारे में बताया और उनके जीवन से जुड़े कई प्रकरण भी बताए। उन्होंने बच्चों से धार्मिक जातिगत बंधन को तोड़कर केवल राष्ट्रीय एकता की भावना पर काम करने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन उप प्रधानाचार्य नीरज द्विवेदी और CCA इंचार्ज कृष्णा तिवारी ने किया। इस दौरान पत्रकार अजय गुप्ता सहित अध्यापक लवलेंद्र मिश्रा, गजाला अंजुम, निशा जैन, दीपमाला गुप्ता, राम आशीष प्रजापति, मुकेश भार्गव, रंजीत शर्मा, शाश्वत त्रिपाठी, छाया सिंह, अंजू तिवारी सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। इंडिया पावर न्यूज के लिए अयोध्या से फतेह खान की रिपोर्ट। शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के लिए यह संदेश फैलाने का भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ।